हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए करेक्शन डेट ओपन है। जी हाँ, करेक्शन डेट ओपन है। आज और कल करेक्शन डेट ओपन रहेगी, इसके बाद करेक्शन डेट क्लोज हो जाएगी। फॉर्म डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। फॉर्म की जो कल लास्ट डेट थी 55 मिनट पर, 11:55 पर, तो वही 55 मिनट है। फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है, तो ये कंफर्म हो गया, फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अगर एक्सटेंड होना होती तो हो गई होती। करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए ओपन हुई है, आज और कल के लिए। करेक्शन किन स्टूडेंट को करना है? फोटो हमको लगता है बेसिकली अगर स्टूडेंट कैफे से फिल करवाए होंगे तो सबके फोटो गलत होंगे, तो फोटो प्लीज आप लोग सही कर लीजिए। 2 दिन का समय है, काफ़ी ज़्यादा समय होता है 2 दिन का, तो फोटो आप लोग सही कर लीजिए। जो यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपका फोटो जरूर गलत होगा, तो एक ही काम कर लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह देना नहीं है। फॉर्म भर ही दिए हैं, इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। आपके हाई स्कूल इंटर के बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, तो मेरिट लिस्ट एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें सभी स्टूडेंट का नाम होगा जितने लोग फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। तो मेरिट लिस्ट जो है बन के आ जाएगी 10 से 15 दिन में। लेकिन जो करेक्शन विंडो ओपन हुई है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो जो यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग के लिए फीस ली गई है वो इंक्लूड है, जो कि हमको भी कंफ्यूजन था, क्योंकि उतना पढ़ते नहीं, हमको भी पढ़ना होता है तो ज़्यादा विशेष तौर पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जो पहले से चीज़ें कॉमन होती हैं वही बता देते हैं, लेकिन अब फोकस करना पड़ा। प्रथम काउंसलिंग शुल्क के साथ ये है, जो 1500 रुपये लिया गया है ये प्रथम काउंसलिंग शुल्क के साथ है। जो आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा किए हुए हैं 1500 रुपये फॉर्म भरते टाइम, वो शुल्क के साथ है। ऊपर भी लिखा हुआ है अप्लीकेशन एंड काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस, ये मिला के है। अप्लीकेशन फीस, काउंसलिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस मिला के 1500 रुपये है। तो इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा डाउट है, वो भी आइए हम नीचे क्लियर कर देते हैं। जो इन्होंने लिखा हुआ है इसको हम नीचे क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि प्रथम ऑनलाइन के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति राउंड 500 रुपये नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन शुल्क आवेदन जमा करना होगा। मतलब वो 500 रुपये आपसे ले लिए हैं, तो 500 रुपये ले लिए तो काफ़ी ज़्यादा सही है मामला। और अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज 10 रुपये 12 रुपये लगता है वो लगेगा। तो ये है प्रत्येक काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति राउंड 500 रुपये नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग शुल्क आवेदन ऑनलाइन जमा करना हो। ये है सेकंड काउंसलिंग। प्रथम काउंसलिंग के अतिरिक्त, मतलब प्रथम काउंसलिंग को छोड़ के सेकंड काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप कॉलेज अपग्रेड करेंगे, तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। तो प्रथम काउंसलिंग की फ़ीस आपसे ले ली गई है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमको लगता है सिर्फ आपसे लिया जाएगा वो 5000 रुपये लिया। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस 5000 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा, तो 5000 रुपये आपसे लिया जाएगा, 500 रुपये नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि 500 रुपये इंक्लूड कर लिया गया, 1500 रुपये वो ले लिए। लेकिन ये कम्प्लीट तौर पर देखें तो गलत बात है। कोई स्टूडेंट है अगर वो सोच रहा है कि हमको ये मेरिट लिस्ट, हमको फॉर्म ही अप्लाई करना है और सोच रहे हैं कि हमारे मेरिट लिस्ट में अच्छा खासा नाम आ जाए, तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। फॉर्म अगर अप्लाई किए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप काउंसलिंग करवाएं, ये भी बहुत से स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे महारथी होंगे, तो फॉर्म अप्लाई करने का उनके मतलब नहीं है कि ज़रूर वो काउंसलिंग कराएँ, तो लेकिन अब काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगा, 500 रुपये तो लग ही गया है। फ़ोटो से रिगार्डिंग जो डाउट्स है उसको भी आइए हम क्लियर कर लेते हैं। फ़ोटो वाला देख लीजिए, समय है आपके पास, 2 दिन का समय है आज, तो अभी टाइम है, अभी समय है, काफ़ी ज़्यादा समय है, तो आज अभी टाइम है, इसके बाद कल का भी समय है, तो कल पूरा टाइम है, तो आप लोग फोटो करेक्ट कर लीजिए। फोटोग्राफ के संबंध में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, और आप लोग भी एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। फॉर्म की अगर विंडो ओपन है तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए, आप ही के लिए विंडो ओपन की गई है, और तो इसका फ़ायदा उठाइए। 2 दिन का समय काफ़ी ज़्यादा समय है, आज तो मान लीजिए अभी भी समय है और कल का पूरा समय आपके पास है, तो फोटो करेक्ट कर लीजिए, एग्जाम वगैरह देना नहीं है, तो एक ही काम कर लीजिए, फोटो ही करेक्ट करिए। अभ्यर्थी अपनी फोटो JPG फॉर्म में सबने किया होगा। सेकंड पॉइंट का आता है कि फोटो 1 जून 2023 से पहले की ना हो, फोटो जो आपकी होनी चाहिए 1 जून 2023 के अंदर की हो। फोटो पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए, मतलब फोटो पर नाम हो, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है महेश, तो उस पर महेश होना चाहिए, और किस दिन में फ़ोटो खिंचवाई गई है वो होना चाहिए, मतलब 1 जून 2023 से कोई भी अपना डेट आप लोग डलवा दीजिए।
तो ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट का आता है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग सबका गलत होगा, तो हम लोग को इसको दोबारा देखना पड़ा ध्यान से। थर्ड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र के लिए रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाते समय एक स्लेट पर अपना नाम तथा फोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने सीने के पास अवश्य रखें। दिनांक आप वही डाल दीजिए, आज का दिनांक अगर आज अपलोड कर रहे हैं तो आज का दिनांक ना डालें, जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे वही डेट डाल दीजिए। अपने सीने के पास अवश्य रखें ताकि वह फोटो में सीने के साथ स्पष्ट रूप से अवश्य आए। इनका कहना है कि अपने सीने के पास अवश्य रखें ताकि वह फोटो सीने के साथ स्पष्ट रूप से आए। ध्यान रखें नाम एवं तारीख, ध्यान रखें नाम एवं तारीख कंप्यूटर से कंपोज किया गया ना हो, मतलब रिटन बाय कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिटन ऑन स्लेट नियर अबाउट ऑन योर चेस्ट आफ्टर क्लिक फोटो। तो ये होना चाहिए आपका जो है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ़ोटो खिंचवाते समय कैप अथवा चश्मा ना हो, फ़ोटो खिंचवाते समय कैप अथवा चश्मा ना हो। फोटोग्राफ की 10 प्रतियां बनवा के रखें, काउंसलिंग वही सेम काउंसलिंग में लगता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से आप बनवा लेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर फोर्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो खिंचवाते समय आपके पास कैप नहीं होनी चाहिए, आप कैप ना लगाए रखे हों और चश्मा ना लगाए रखे हों। पॉइंट नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर से इन्होंने बोल दिया ध्यान रखें, ये जो इन्होंने ध्यान रखने वाली बात कह दी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखें और फ़ोटो सही से खिंचवा के लगवाएं और सही से क्लिक करवा के लगवाएं अगर आपके फ़ोटो में दिक्कत है तो, क्योंकि अभी भी डेट है, करेक्ट हो जाएगी, करेक्शन डेट ओपन है, आजकल की डेट ओपन है तो करेक्ट हो जाएगी। फ़ोटो से रिगार्डिंग जो इशू है, हमको लगता है ये जो करेक्शन विंडो ओपन हुई है फ़ोटो के लिए ही, तो कहीं नहीं ओपन हुई है। फ़ोटो से रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बहुत बड़ा इशू हो सकता है बन जाए, लेकिन हमारे हिसाब से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा। नीट इतना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है इतने सालों से, उसमें इतना इशू नहीं है जितना इशू इसमें है। नीट में तो यही है कि आप फ़ोटो के नीचे जो है डेट होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट रहता ही है, इसके बाद जो है वो डेट होनी चाहिए, बस कब फ़ोटो खिंचवाई गई है वो डेट आप आराम से जो है वही लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इशू आ रहा है जो है फ़ोटो के रिगार्डिंग, तो ये प्लीज़ आप लोग सॉल्व कर लीजिए जो भी इशू है। तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ़ोटो के रिगार्डिंग। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।